गाइज सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड को करना होगा ओपन पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। ये वाला बैकग्राउंड का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और गाइज ये वाला बैकग्राउंड को छोड़ के आप और भी सीवी बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो गाइज सिंपली आपको बैकग्राउंड को ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको ऐड वर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करके आपका फोटो को यहाँ पे ऐड करना होगा। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फोटो था उसका बैकग्राउंड में पहले से ही कटआउट करके रखा था, देख सकते हो एकदम HD क्वालिटी पे है। और गाइज आपको बैकग्राउंड यूज करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। और गाइज ये फोटो का क्वालिटी देख सकते हो एकदम क्या ही बताया गाइज, फेस देख सकते हो और आपको पहले कैसा फेस दिखाया था, तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है, इस तरह का एडिटिंग करने के लिए। तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना होगा, देख सकते हो ऑफ स्क्रीन पे। और गाइज यहाँ पे आपको सिंपली साइड पे इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा और आर्टिस्टिक पे जाना होगा सीबी वाला इफेक्ट को ऐड करने के लिए। और यहाँ पे आपको फैटल वन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो फैटल वन पे करना होगा क्लिक। फैटल वन पे गाइस जैसे ही क्लिक करोगे, फैटल वन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग ले सकता है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई गाइस जैसे ही करोगे और यहाँ पे जो फेड का अमाउंट है इसको आपको एकदम माइनस की साइड करके मतलब जीरो कर देना है। और उसके बाद आपको ऊपर इरेजर पे करना होगा क्लिक। इरेजर पे क्लिक करने के बाद फेस के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये वाला इफेक्ट को आपको इरेज करना होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गलती हो गया था, देख सकते हो इरेज हो गया था। तो गाइज यहाँ से आपको इरेज करना होगा फेस के ऊपर से, देख सकते हो ऐसे। तो इसका हार्डनेस को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो गाइज इतना करने के बाद आपको बस डन करना है, ठीक है गाइज, देख सकते हो। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे फोटो को राइट कर देना है। इसके बाद आपको करना होगा फेस को थोड़ा सा गोरा। फेस को गोरा करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फेस को गोरा करने के लिए फेस को यहाँ पे गोरा कर सकते हो एक क्लिक पे। तो यहाँ पे स्किन टोन पे आपको क्लिक करना होगा। स्किन टोन पे गाइस जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक कलर को सिलेक्ट करना होगा, आप जो कलर रखना चाहते हो यहाँ पे आप रख लेना। और उसके बाद गाइस आपको ऑटो पे करना होगा क्लिक, कलर्स पे क्लिक करके ऑटो, ठीक है। देख सकते हो गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से गोरा हो गया, लेकिन भाई इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। फेस ऐसा था ऐसा हो जाएगा तो एकदम घटिया लगेगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इतना। और उसके बाद आपको डन करना है, ठीक है। और गाइस देख सकते हो फोटो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। और यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ड्रॉ वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो को सेव। और गाइस यहाँ पे और एक काम करना होगा, और यहाँ पे आपको ऐड वर्ड पे क्लिक करके सनग्लास के लिए एक बैकग्राउंड को ऐड करना होगा। गाइज ये वाला सनग्लास की बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बस सनग्लास के ऊपर ऐसे रखना होगा और इसका ओपेसिटी को आप कम करके देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो गाइज मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ओपेसिटी को फुल करके इरेजर पे करना होगा क्लिक। आपको इन्वर्ट पे क्लिक करके सनग्लास के ऊपर ऐसे चलाना होगा। तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से सनग्लास के ऊपर कलर करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे फोटो को राइट कर देना है। और यहाँ से आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को करना होगा सेव और फोटो को ऐड करना होगा लाइट रूम ऐप के अंदर। गाइज लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल फोटोज पे करना होगा क्लिक। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज हमारा जो फोटो था उसको ऐड कर लिया हूँ। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ गया है, तो आपको यहाँ पे सिंपली लाइट्स वाला ऑप्शन पे करना होगा क्लिक। लाइट्स वाला ऑप्शन पे गाइज जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्ट्रास्ट का। तो आज भाई कॉन्ट्रास्ट को एकदम ऐसे डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रास्ट को आज इंक्रीज करना होगा। पूरा फुल भी कर सकते हो क्योंकि भाई हमारा फोटो पे एकदम कंट्रास्ट नहीं था, ठीक है। तो ऐसे आपको इंक्रीज कर देना होगा। हाईलाइट को एकदम माइनस और शेडोज को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। व्हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लैक्स को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और एक्सपोजर को भाई थोड़ा सा एकदम मतलब पॉइंट सा, ठीक है, एकदम कम करना है। और कलर्स वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऊपर मिक्स टूल पे करना होगा क्लिक। और यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि गाइज हमारा फेस का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर को आपको सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन को आपको माइनस करना होगा और लुमियंस को आपको इंक्रीज करना होगा फेस को गोरा करने के लिए, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे जितना भी कलर है आप छेड़छाड़ करके देख सकते हो, ठीक है, तो मैं इतना नहीं करूँगा।
तो गाइज इतना ही सही है। और ग्रीन कलर को सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इतना, और उसके बाद आपको डन करना है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आने के बाद आपको विग्नेट को थोड़ा सा देना होगा ऐसे साइड साइड पे, और मिड पॉइंट को भी आप थोड़ा सा दे सकते हो। और गाइज देख सकते हो फोटो बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को करना होगा शेयर स्नैपसीड ऐप के अंदर। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ठीक है। आज मैं आपको जो बताऊंगा ना, आपको एकदम रियल ट्रिक बताऊंगा। गाइज फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो डिटेल्स का। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आप ऐसे 100 कर देना, देख सकते हो फोटो एक अलग सा ही जान आ जाएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना होगा फेस को और भी अच्छे तरीके से गोरा करने के लिए। लेकिन फेस को भाई गोरा स्मूथ एकदम लास्ट पे करेंगे, ठीक है, वो एकदम हैक ट्रिक होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे लगाना होगा, ठीक है, और ऐसे आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज और सैचुरेशन को आपको डिक्रीज कर सकते हो, और सैचुरेशन को और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ठीक है, क्योंकि फोटो पे भाई कॉन्ट्रास्ट एकदम ही है ही नहीं वो। और गाइस फोटो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी काम खत्म हो गया है। यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे एक शेयर करना होगा फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर। और गाइस फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेम काम करना होगा, मतलब एपेक्स पे करना होगा क्लिक। एपेक्स पे गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना होगा। ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको आर्टिस्टिक पे क्लिक करके यहाँ पे ऑयल पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसका अमाउंट जो है ना, इसको 15 रखना है, ठीक है, 15 या 14 आप जो अच्छा लगे आप रख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर इरेजर पे आपको क्लिक करना होगा, और जहां जहां पे आपको नहीं चाहिए आपको इरेज करना होगा। और गाइस इतना करने के बाद आपको ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे राइट करके फिर से आपको राइट करना है, और फोटो पे थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट ऐड करना होगा। ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली एफएक्स पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ब्लर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ब्लर पे क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर आपको इरेजर पे क्लिक करके आपको बस बैकग्राउंड पे क्लिक करना, ठीक है। एक क्लिक पे भाई बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो इसके बाद गाइस दो एक PNG को ऐड करना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करना होगा ऐड फोटो पे क्लिक करके। तो गाइस यहाँ पे ये दोनों PNG को ऐड करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो लाइट PNG है, यहाँ पे आपको साइड पे ब्लेंड पे क्लिक करके इसको करना होगा स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, ऐसे। इसका ऑपेसिटी को आप कम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट PNG है इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, और आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। और गाइस इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद आपको डन करना है, देख सकते हो गाइस फोटो बिफोर एंड आफ्टर। अभी तक फोटो जैसा दिखाया था अभी तक एडिट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और फोटो को सेव करना होगा, और फोटो को लेकर जाना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइस फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फेस को स्मूथ करना होगा। फेस को स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पेंसिल वाला ऑप्शन पे जैसे ही गाइस क्लिक करोगे, यहाँ पे जो ये वाला ब्रश है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करके सेटिंग को एक बार चेक करना होगा। और मैं पहले सारा वीडियो पे बताता हूँ कि ये भाई स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको बहुत ही काम आएगा। और गाइस यहाँ पे आपको ऐसे फोटो को जूम करना होगा, और ऐसे आपको राउंड राउंड से चलाना होगा, ठीक है, फेस को स्मूथ करने के लिए। और उसके बाद गाइज आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना होगा। तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से फेस को करना होगा स्मूथ, और फेस को स्मूथ करने के बाद आप फेस को गोरा भी कर सकते हो। तो चलिए गाइज उसको भी आपको दिखा देता हूँ कैसे फेस को गोरा करना होगा।
गाइज फेस को गोरा करने से पहले आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आपको लेयर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर ऐड करना होगा। एम्प्टी लेयर को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मतलब पेंसिल वाला ऑप्शन पे, और लाइब्रेरी पे जाना होगा और यहाँ पे आपको एक ब्रश सिलेक्ट करना होगा, ये वाला ब्रश को, ठीक है। और गाइज ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये कोई उतना काम का नहीं है, लेकिन भाई तब भी स्क्रीनशॉट कर लेना, अब थोड़ा दिक्कत हो जाता है आपका तो। और गाइज यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसका एक कलर ले लेना होगा, ठीक है। इतना सही है, और इसको और भी गोरा कर लेते हैं, इतना सही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसे चलाना होगा, देख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये कलर को कैसे एडजस्ट कैसे क्या करना होगा। तो मैं फटक से कर लेता हूँ। तो गाइज आपको कुछ इस टाइप से फेस के ऊपर कलर को अप्लाई करना होगा, ठीक है। दिखने में थोड़ा घटिया लग सकता है, तो यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करके इसका ओपेसिटी को आप कम भी कर सकते हो ऐसे। और गाइज और भी एक ट्रिक है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो नॉर्मल का। आपको नॉर्मल पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्ट लाइट का। सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करने के बाद इसका अमाउंट को आपको थोड़ा सा कम करना होगा। देखो गाइज पहले ऐसा था, ठीक है, और उसके बाद ऐसा हो गया, तो लेकिन गाइज इतना नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है, तभी तो अच्छा लगेगा। और गाइज देख सकते हो फोटो पे ऑयल पेंट इफेक्ट भी ऐड हो गया है पूरा, भाई सीबी एडिटिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फोटो को करना होगा सेव। फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे करना होगा क्लिक। थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देना है। तो गाइज आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज की इस वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।